दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पबजी मोबाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं ये बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं और आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगी और आप बड़े आराम से बिना दिक्कत के पबजी मोबाइल को अपने डिवाइस में डाउनलोड कर पाओगे। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योगी गेमिंग। तो अभी जो नया वाला जो अपडेट आया है 1.3 का, तो आप लोगों को मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा अपने मोबाइल में। तो ये मैंने डाउनलोड करने के बाद ही बनाया हुआ गेम प्ले है, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करते। तो मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और जब क्लिक करोगे आप डायरेक्ट उस पेज के ऊपर जाओगे जहाँ पे पबजी मोबाइल डाउनलोड करना है। तो पहले देखो मैं क्या करता हूँ प्रोसेस, उसके बाद जाना। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो पबजी मोबाइल का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, उसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड को डाला है। अभी ऐप में वीडियो अभी स्किप कर दूंगा। ये पूरी तरह से डाउनलोड होने के बाद अभी देख सकते हैं 40-50% तक डाउनलोड हो चुका है। तो मैं अभी इसको पूरी तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दूंगा मैं अपने डिवाइस में। तो मैं इससे अभी आपका टाइम ना जाए इसके लिए इसे कट करके पूरा जब डाउनलोड हो जाऊंगा वो वाला पेज अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये पबजी मोबाइल हमारे पूरी तरह से डाउनलोड हो चुकी है 0.99 GB की। तो हम इसे सीधा इंस्टॉल करेंगे अभी। तो देखिए इंस्टॉलिंग चालू हो चुका है, तो इंस्टॉलिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधा फट से इंस्टॉल हो जाएगा पबजी मोबाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं पबजी मोबाइल हमारा भी ओपन करेंगे हम, इसको इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरह से। आप लोगों को सीधा इसे ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद ये 15 MB के आसपास का एक डाउनलोड है, उसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। उसके बाद रिस्टार्ट गेम को करना है और जब रिस्टार्ट करने वाले होंगे तो आप लोगों को एक चीज़ करनी होगी। तो क्या है, आपको VPN लगाना पड़ेगा, क्योंकि VPN लगाने के बाद ही आपका जो कोई भी अकाउंट होगा फेसबुक या जीमेल का वो ओपन हो जाएगा। मतलब कि आपकी जो आईडी ओपन करनी है लॉगिन करने के लिए आपको सिर्फ VPN की ज़रूरत पड़ेगी। जब लॉगिन हो जाएंगे आपकी आईडी तो आपको VPN हटा देना है। तो उसके बाद VPN की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपके मैप वगैरह सब कुछ डाउनलोड हो जाएंगे बड़े आराम से इस वर्जन में। तो कोई भी दिक्कत आ जाएंगी मैप डाउनलोड करने में आपको, तो मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई देके आपकी जो तकलीफ होगी मैं उससे सुलझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके टीममेट की आपको आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ टीममेट को नहीं जा रही है, तो आप लोगों को इसके ऊपर कोई वीडियो चाहते हो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और दोस्तों एंजॉय कीजिए।